गाइस एक चीज है अंकल जी दिखा रहे हैं हॉन्टेड हाउस, एक सेकंड रुको, है ना दिख रहा है ना। हाँ अबे हाँ अबे हाँ भाई। हेलो जी, उम्मीद है सारे भाई अपने बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं फिर से आ चुका हूँ देहरादून में। देहरादून से हमारे व्लॉग की स्टार्ट हो रही है और हम लेके आए एक मेहमान को अपने साथ, जो कि हमारे राजा भाई, हेलो कर दो। गांव वाले व्लॉग्स में भी आपसे मैंने देखा होगा ऋषु भाई, ऋषु भाई हेलो कर दो। ये बंदा कभी मुँह से नहीं बोलेगा भाई, हाथ हिल जाए वो होता है। तो भाई सभी जो अपना सीन है, अभी हम जा रहे हैं राजा भाई को घुमाने के लिए मसूरी में ऊपर, अपना देखते हैं कहाँ जाना है। डिसाइड हमारा कुछ ऐसा है नहीं, वैसे भी लड़कों को डिसाइड होता नहीं है, हमें ये नहीं पता मैंने लेके कहाँ जाना है। ये बंदा भी कुछ नहीं बता रहा क्योंकि पहली बार आ रहा, इनकी गलती नहीं है इसमें, गलती हमारी है क्योंकि हमें बताना रहे कि हमें जाना खाने लेके कहाँ जाना भाई जल्दी। भाई की क्या ड्राइस देख रहे हो गाइस, जिसे अच्छी लग रही है एड्रेस में बताऊंगा, तुम ले लो भाई का लुक देख लो तुम, भाई बेकार लग रहा छोड़ो। हाँ तो हम जा रहे हैं अभी ऊपर मसूरी में, हम वापी भट्टा फॉल वाला जो अपनी पार्किंग है वहाँ पे खड़े हुए हैं नीचे से, यहाँ से नीचे भट्टा फॉल है। ओए ओए बेटे फालतू बोलिए, मेरी जनता को कुछ बता रही हूँ ना मैं। हाँ तो गाइस नीचे अपना भट्टा फॉल का है, यहाँ पे वो लिखा भी आगे देखो भट्टा फॉल वाला बोर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ की पार्किंग पे थे, मैंने सोचा यहीं से व्लॉग स्टार्ट करूँ, बीच से मैंने करानी क्योंकि एक तो हम वैसे ही लेट थे ऑलरेडी इतने ज़्यादा, तो जल्दी से निकले हैं यहाँ पे रुक के व्लॉग स्टार्ट कराए। अभी हम सोच रहे हैं कि हमें जाना कहाँ, और एक तो मेन सीन ये अपना है कि हमें डिसाइड नहीं कर पाए कि हम जाएँ कहाँ किधर जाएँ। मेन तो हमें मसूरी ऊपर जाना है, मसूरी से फिर सारे रूट कर जाते हैं दलाई हिल जॉर्ज एवरेस्ट क्लाउड एंड वगैरह के। भाई के भी निकलते हैं ऊपर मसूरी की तरफ, फिर आपसे भी कोई दिखाऊंगा मैं कि हमें चलना क्या है और कहाँ नहीं। और आज ट्रैफिक भी कम है क्योंकि मंडे है, नहीं तो संडे को हम निकले नहीं। संडे का झरने वाला मिनी व्लॉग है वो आ गया होगा, जल्दी जाके चेकआउट कर लेना वाला। तो भी हम निकलते हैं फिर आपसे भी कोई दिखाते हैं, उससे पहले एक व्यू चेक कर लेना जो भट्टा फॉल से आता है, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। बादल अलग आ रखे हैं अपने, ओहो ओ तुम दोनों फ्रेम मारे उठ जाओ, देखो गाइस मतलब बादलों के साथ जो अपने माउंटेन्स का जो एक अलग ही वो है यार, क्या प्यारा आ रहा है कैमरे में, वाह वाह वाह। तो गाइस अभी हम निकलते हैं आगे की तरफ, अपना यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे चेकआउट दिस, तो वो जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे। ब्लॉग को लाइक कर देना, बाकी आगे के निकल रहे हैं, जल्दी से दिखाते आप सभी को। A few moments later. So guys, finally अभी मसूरी माल रोड पहुँच चुके हैं, मैंने गाड़ी पीछे लगा दी, ये लोग आ रहे हैं पैदल। भाई तुम पैदल क्यों आ रहे हो, कार से आ रहे हो? ओ झूठ बोलो। अच्छा कार कहाँ है? तो गाइस हम आए पैदल और चलो आगे चलते हैं क्योंकि मेन हमको वहाँ पे थी पुलिस खड़ी हुई, तो हम झंडी पालना चाह रहे थे। कैंडी फ्री दे रहे हो? फ्री तो वाह, वही तो बात है, कैंडी का नाम क्यों ले रहे हो? फिर लो पानी हम दे रहे, फ्री ले लो हमसे। तो गाइस ये माल रोड, अबे यार हम किधर से जाए, अब हमें आना नहीं था वैसे, पर राजा भाई को जब आए तो पूरा दिखा के जाएंगे, लेट्स सी। चलो भाई व्लॉगर हूँ यार, किसे व्लॉग सब्सक्राइब कर लो गाइस, व्यू चेकआउट कर लो यहाँ से। मैंने पिछली बार भी आज उस खंडरे पे चले ऋषु भाई, जहाँ तड़ा पिक्चर की शूटिंग हुई थी, चले हेलमेट पकड़ना राजा भाई चाचा। तो गाइस ये यहाँ से पूरा दिखता है व्यू, बढ़िया नदी वदी आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। कैमरे में दूर दूर तक आ रहे नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता यहाँ तक तो आ ही रहा होगा, इसके आगे नदी है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये वो है जहाँ पे थोड़ा पिक्चर की शूटिंग हुई थी, जो खंडर है मैं तुमसे पूरा दिखा देता हूँ, ये रहा ठीक है। ये खंभे के जस्ट बगल में जो है, मतलब तीन पेड़ के, ठीक है। नीचे निकल रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ, कहाँ जाना है हमें? जॉर्ज एवरेस्ट, वहाँ पे ट्राई करेंगे हम हेलीपैड पे, अगर चढ़ पाए या वहाँ की सवारी ले पाए तो वी शुड ट्राई और जोर से चढ़ के दिखाएंगे। बाकी अभी हम यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, और जो भी अपना सीन है, बाकी गांधी जी हमारे साथ रहते हैं हमेशा, जब भी माल रोड आते हैं गांधी जी की मूर्ति कभी नहीं हटती यहाँ से। तो गाइस यहाँ से निकलने से पहले हमें एक चीज़ दिखी जो कि टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप में यहाँ पे तुम सभी चेकआउट करो, ये स्पॉट लिखी है इन्होंने, नीचे नाम भी है, देखो नाम पढ़ते हैं यहाँ पे, लोअर पॉइंट, जेपी होटल, फाइटर प्लेन, शैटल देवी टेम्पल, शीतला देवी टेम्पल, हॉन्टेड हाउस, छः स्पॉट है 50 रुपये में, बाकी 20 रुपये में एक है, देखोगे देखें। चलो एक ट्राई करते हैं, राजा भाई ट्राई कर लेते जब आए तो। अंकल जी क्या है, क्या 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 सीन है इसका? 6 स्पॉट, एक एक करके देख सकते हैं हम 50 में, 50 पे 6 देख लेते हैं, दिखाना हमें पहले पेमेंट पहले होगी, बात पे कर देंगे, यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ वैसे तो मैं फोन से आ जाएगा, मेरे कैमरे से आ जाएगा क्या? अगर मैं कैमरे से लेना चाहूँ आ जाएगा? इसके अंदर से? हाँ इसके अंदर से अगर मैं लेना चाहूँ आ जाएगा? आप सेट कर लो पहले, आप फिर देखते हैं, अगर आ गया तो क्या पता आ जाए, फिर ट्राई करते हैं। गाइस अंकल जी चेक कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पे, ये 6 स्पॉट है सभी तुम चेक कर लेना, फाइटर प्लेन, जेपी होटल, लवर्स पॉइंट, लवर्स, ये लवर्स पॉइंट का है भाई, हाँ दो दो सब देख लेंगे, मेरे को तो लास्ट के दो दिखा देना तुम, माउंटेन हाउस और टेम्पल, हो गया सेट हो गया? रुको एक सेकंड मैं देख लूँ, मैं वो कर लूँ, सेकंड चेक मैं फोन फोन अब बताइए 18 15 6 सेंचुरी में लगी 18
56 सेंचुरी में लगाई थी ये ब्रिटिश क्लॉक टावर, कभी काम नहीं हुई और अब तक बिल्कुल सही टाइम देती है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक टाइम सही दिखाती है। मेरे फोन में आएगा नहीं आएगा, सबसे टॉप में लगी नहीं आएगा। आ रहा है, आ रहा है बेटे, आ रहा है गाइस, आ रहा है, हल्का हल्का रुको, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तुम देखो यू शुड ट्राई गाइस, हल्का फुल्का आया है, ज्यादा नहीं हो पा रहा है बट आ रहा है। दिख रहा दिख तो रहा ही होगा, क्या हो गया, कुछ तो बोलो। अगर टाइम दिख रहा कि नहीं है बताओ अंकल, और जूम कितना जूम कर देता है, टेढ़े में दिख रहा है। कितना दूर यहाँ से वो, कितना उसमें होगा एल्टीट्यूड, कितने दूर होगा यहाँ से? अच्छा लास्ट आगे, सबसे लास्ट लाल वाला, ओके ओके समझ गए। चलो भाई देख लो, अब दिख रहा, आप तो दिख रहा होगा भाई, ऐसे कुछ नहीं दिखेगा बाकी। यहाँ पे माल रोड में बढ़िया बढ़िया सारी बेकरी है, यहाँ पे आपसे भी चेकआउट कर सकते हो। राजा भाई को हंसी आ गई, पता नहीं क्यों। पहले आप मेरे, अब मैं देखूंगा, मैं दोबारा पहले फोन पे दिखाऊंगा सारी चीजें और उसके बाद हम देखेंगे। लेट्स ट्राई, आप यहाँ मतलब 7 days रहते हो इस पॉइंट पे? 7 days, ओके कोई नहीं, आपको वीडियो भी मैं डालता हूँ यूट्यूब पे। अंकल जी सेट करते हैं पहले, उसके बाद हमको दिखाते हैं। पहले मैं दिखा दूँ, टेम्पल है हल्का सा ऊपर का ये ना, एक पॉइंट पे दिखाता है गाइस, थोड़ा बहुत मैं ट्राई कर रहा हूँ। रुको ना रुको, ऐसे नहीं रुकट है। हाँ दिख रहा है, तुम देखो गाइस, बहुत हल्का फुल्का आता है, बलर आ रहा, ज़्यादा इतना नहीं आ रहा। बाकी तुम सभी व्यू के मजे लो, अभी मैं तुम्हें थोड़े थोड़े पॉइंट स्पॉट्स दिखाते रहूँगा जैसे जैसे आते रहेगा। बाकी तो व्यू तो अपना मस्त है, क्यों राजा भाई, सही है। आगे तक का आता है, थोड़ी धुंध है तो दिख नहीं रहा ज़्यादा आगे तक का, नहीं तो बहुत बढ़िया व्यू आता है यहाँ पे। कैमरा भी ला रखे हैं हम, अभी जोर एवरेस्ट निकलेंगे जल्दी से यहाँ पे, अंकल जी के पूरे स्पॉट देख ले उसके बाद। तो गाइस एक चीज हुई है हमारे साथ बड़ी तगड़ी, क्या कह रहे हो भैया, ये जो पॉइंट है लवर्स पॉइंट, भैया कह रहे हैं वहाँ तो कपल भी दिख जाएंगे। आपका नाम क्या है, नाम बताएंगे आप अपना, गुड नेम? किसान है, मैं लखनऊ से। ओके ठीक है, लखनऊ के नवाब है आप, ओके लखनऊ के शेर बाबा, ओके ओके। अच्छा आप शेर नवाब ही है, ओके। तो अभी कहाँ सेट कर रहे हैं जी? छोटा फाइटर प्लेन, फाइटर प्लेन। अच्छा मैं देखो, पहले तुम देख लो भाई, यहाँ कितना बड़ा होगा वैसे, कितना बड़ा है वो प्लेन, हेलीकॉप्टर जितना होगा? हाँ मतलब वैसे बड़ा है ना, बड़ा है उससे बड़ा ही, हाँ मतलब जैसे होता है। ओके दिख रहा राजा भाई, रेड कलर की छत दिख रहा है कुछ ना, दिख रहा, रुको मैं कैमरे में दिखाऊं, दिख रहा कुछ गाइस, टेलीस्कोप। अंकल जी टेलीस्कोप ऐसे आता कितने का होगा? अच्छा दे रखा है आपको, ओके फिर भी एक आइडिया आपको होगा, जैसे नहीं आइडिया, अच्छा जस्ट फॉर अ जॉब, दिख रहा है मतलब आप खाली एंटरटेनमेंट के लिए, तो जॉब मैं ट्राई करता हूँ कैमरे से, करो आप सेट कर लो, दिख रहा है, दिख रहा है। अरे अपने फोन में माइक्रो वगैरह वो कुछ है ना, माइक्रो नहीं यार इसमें गाइस, ये तो आ ही नहीं रहा, रुको रुको, ये फाइटर प्लेन तो गाइस अभी जो है ब्लर ब्लर आ रहा है क्योंकि अभी धुंध भी, तो अंकल जी कह रहे हैं 3 बजे के मतलब पॉइंट पे तब आता है, हाँ एकदम फिर क्लियर दिखता होगा एकदम। ठीक है अभी आप दूसरा दिखा दीजिए, लवर्स पॉइंट, लवर देखने हैं क्या? ये ज़्यादा महीना है, लवर कपल्स वाला ज़्यादा सीन है, मतलब ये अगल बगल ही हैं, ज़्यादा इतना वो नहीं है इन पर मैक्सिमम। ओके तो ये सीन है, लवर मैं दिखा दूँ भाई पहले लवर्स को, अबे तेरे फोन में नहीं है, क्या बात कर रहे हो तुम, लेके तो रहूँगा, रुको चेक कर ले भाई, अबे रुको आएगा यार, आ रहा था अभी बीच बीच में, इस पर थोड़ा हाथ रख लूँ, छोटा लेंस लगा हुआ इसमें, पूरा मॉड्यूल है इसका, ठीक है एक और रह गया अभी, तो छह हो गए पूरे, हॉन्टेड हाउस रह गया, हॉन्टेड हाउस है बेटे, एक हॉन्टेड हाउस रह गया, फिर उसको गाइस उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से,
आगे की तरफ निकलते हैं अपना यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जहाँ में मेन अपना निकलना है। अभी तो हम यहीं पे अपना टेलीस्कोप के मजे ले रहे थे, थोड़े बहुत आपसे भी आके चेकआउट कर सकते हो 50 रुपीज में 6 स्पॉट्स अंकल जी दिखाते हैं। मस्त अपना अंकल ने लगा रखा है हॉन्टेड हाउस भी, होटल का टेरेस है। अच्छा तो हॉन्टेड हाउस कहाँ पे है? दूर लगा रखा है आपने। हॉन्टेड हाउस अभी आ रहा है, आ रहा है, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ओके हॉन्टेड हाउस कौन सा है यहाँ पे? वो जो खंडर है वो वाला तो नहीं है? वाला जो खंडर है वही है तो वो यहाँ से कितनी दूर है? वो नो एंट्री है, वहाँ सीज हो रखा है हाई कोर्ट। अच्छा सीज है ये, तो वहाँ जा भी नहीं सकते? अच्छा देख लो ऋषभ भाई, देख लो तुम, देख लो ये जो मतलब यही जो खंडर दिख रहा ना आगे वाला, वो वाला तीन पेड़ के आगे। ओके तो गाइस ये वो खंडर है जो कि हॉन्टेड माना जाता होगा, हमें भी नहीं पता कुछ। यहाँ के तड़प पिक्चर की तो शूटिंग हुई थी यहाँ पे, वो कौन सा खंडर है यहाँ तड़प पिक्चर की शूटिंग हुई थी? गाइस एक चीज है अंकल जी दिखा रहे हैं हॉन्टेड हाउस, एक सेकंड रुको, है ना दिख रहा है ना? हाँ अबे हाँ अबे हाँ भाई ये तो बहुत क्लियर आ रहा है गाइस, ये हो रहा है एकदम शो वाला दूर वाला। अब मैं आपसे चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड कैमरा पकड़ो गाइस, अभी चलते हैं आगे दिखाता हूँ। हाँ भाई ये एकदम क्लियर है, कुछ जगह तो है ये गाइस, एकदम मतलब क्लियर दिख रहा था इसमें तो। मैंने फोन में भी दिखाया, फोन में भी काफी क्लियर आया ये वाला, मतलब मतलब शाम के टाइम और ऐसे ही दिखता होगा ना। ओके एंड भाई स्पॉटेड सर, ऐसे ही दिखता है एंड भाई स्पॉटेड। वो देख पीछे तेरा हुड का है, ओ शिट पर्पल वाला हुड। अब तो इतनी गर्मी में भाई ने हुड क्यों पहना होगा गाइस, पता नहीं कुछ लोग का क्या सीन चल रहा है भाई। तो गाइस ये वाला व्लॉग अभी मेरे घर पे आके एंड हो रहा है। तुम ये सोच रहे हो ये वाला व्लॉग मैंने वहाँ पे एंड क्यों नहीं करा जब मैं आपको टेलीस्कोप से दिखा रहा था, तो मेन सीन ये था भाई, मैं ये दोनों व्लॉग एक साथ डालना चाह रहा था। एक मैंने जॉर्ज एवरेस्ट का व्लॉग बनाया, वो मैंने अलग अपलोड करा यूट्यूब पे, और ये वाला अलग अपलोड होगा, पहले जॉर्ज एवरेस्ट वाला आ जाएगा फिर वाला व्लॉग आ जाएगा। एक्चुअली मेन रीजन ये था क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, क्योंकि अभी जो हमारी वीडियो अप्रॉक्सीमेटली ये वाली 15 से 14 मिनट के आसपास रहेगी, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर रहे वाली वो हो रही थी गाइस उस टाइम 35 मिनट्स की, इतनी लंबी वीडियो नहीं आप देखना पसंद करोगे ना ही कोई, तो मैंने उसे आराम से 15 से 20 मिनट का करा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा जॉर्ज एवरेस्ट लेटेस्ट आपको वहाँ पे दिखेगा वाली वीडियो भी, आप जगह चेकआउट करना। बाकी आप बताने वाली वीडियो आपको कैसी लगी टेलीस्कोप से, आप यहाँ पे 50 रुपये में आपने चेस्ट स्पॉट देख सकते हो आप, और काफ़ी अच्छे दिखते हैं अगर आप शाम के टाइम जाओगे तो और बढ़िया है। हालांकि हॉन्टेड हाउस दिखाया खास सबसे क्लियर वहाँ से मैंने देखा होगा वीडियो के अंदर। बाकी आप बताना वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बगल में जो रिंग बेल आ रही है उसे जरूर से प्रेस कर लेना। तो बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब तैयार कर लो, बाकी शेयर भी कर देना, वीडियो को फैला दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग एंड बाय बाय।